हायर एजुकेशन से जुड़े छोटे या बड़े अपडेट के लिए सब्सक्राइब करें डीके गुरु ट्यूटोरियल, साथ ही किसी भी नोटिफिकेशन को पाने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे। मैं दीपक कुमार अपने यूट्यूब चैनल डीके गुरु ट्यूटोरियल में आप सभी सहपाठियों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं यूजीसी नेट का एग्जामिनेशन पैटर्न के बारे में। थोड़ा सा चेंज भी हुआ है, उसके बारे में भी हम लोग यहाँ पे विस्तृत से बात करेंगे। साथ ही साथ आज आपको पूरे विस्तृत में समझाने की कोशिश करेंगे कि क्या होने वाला है यूजीसी नेट का एग्जामिनेशन पैटर्न। तो चलिए बिना देर के आपको समझाते हैं। दोस्तों, अगर यदि बात करें यूजीसी नेट का एग्जामिनेशन पैटर्न का, सबसे पहले इस बात को जान लेना अनिवार्य है कि पेपर्स कितने होते हैं। तो पेपर्स यूजीसी नेट में कुल दो होते हैं, पेपर वन और पेपर टू। पेपर वन जो होता है वो कॉमन पेपर होता है, सभी सब्जेक्ट वालों को देना होता है। वही जो पेपर टू होता है वो सब्जेक्ट ओरिएंटेड होता है, या फिर कहिए आपके सब्जेक्ट से संबंधित होता है। उसी सब्जेक्ट वाले को देना होता है जिस सब्जेक्ट से आप फॉर्म भरे होते हैं। वही यदि बात करें हम लोग टाइप ऑफ क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, तो यहाँ पे एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपके पास होते हैं। हर क्वेश्चन के आपके पास चार ऑप्शन होते हैं, उसमें से किसी एक ऑप्शन को आपको ऑप्ट करना होता है जो सही होता है। वही यदि बात करें ड्यूरेशन ऑफ एग्जामिनेशन का, तो पहले जो हुआ करता था, मतलब दिसंबर 2018 तक, पेपर वन के लिए एक घंटा मिलता था आपको और पेपर टू के लिए दो घंटा मिलता था। वही बीच में पेपर वन और पेपर टू के बीच में 30 मिनट का गैप हुआ करता था, जिस गैप को अब खत्म कर दिया गया। एक ही साथ आपको पेपर वन और पेपर टू दोनों प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। आपको 3 घंटा में इस पेपर को खत्म कर देने हैं, दोनों पेपर को। तो दोस्तों, अब 3 घंटा में आपको दो पेपर करना है। आगे हम लोग बात करते हैं यूनिट का। तो दोनों के दोनों जब आप सिलेबस देखेंगे दोनों पेपर्स का, तो आपको दिखेंगे 10-10 यूनिट दोनों में, जहां पे पेपर वन में आपको 5-5 क्वेश्चन प्रत्येक यूनिट से पूछा जाएगा, ऐसा साफ साफ सिलेबस में कह दिया गया है। वहीं अगर यदि बात करें पेपर टू का, तो संभावना है कि 10-10 क्वेश्चन 10 यूनिट से पूछा जाएगा, लेकिन ऐसा कहीं पे मेंशन नहीं किया गया है। आगे हम लोग बात करते हैं टोटल मार्क्स का। तो टोटल मार्क्स जो है पेपर वन में वो है 100 मार्क्स, जहां पे आपसे 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 2 मार्क्स इच क्वेश्चन आपको मिलेंगे सही करने पर। तो टोटल हुए 100 मार्क्स का क्वेश्चन पूछे जाएंगे पेपर वन में। वही जो पेपर टू है उसमें टोटल 200 मार्क्स रखा गया है, जहां पे 100 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे, 2 मार्क्स ईच क्वेश्चन होंगे, तो 200 मार्क्स का टोटल ये पेपर होने वाला है। वहीं यदि जो क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछा जाता है स्टूडेंट द्वारा, वो ये होता है कि नेगेटिव मार्किंग होगा या नहीं होगा। तो आपको बता दें कि कहीं पे भी किसी भी तरीके का कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है यूजीसी नेट का एग्जाम में। अब एक और जो क्वेश्चन इस पैटर्न से रिलेटेड पूछा जाता है स्टूडेंट द्वारा, नए स्टूडेंट जो प्रिपरेशन करते हैं उसके द्वारा, कि क्या इस दोनों पेपर के सेम वैल्यू है? क्योंकि पहले हुआ करता था कि पेपर टू का सिर्फ मार्क्स से मेरिट बनता था, वहीं पेपर वन का मार्क्स का कोई वैल्यू नहीं हुआ करता था। लेकिन आपको बता दें यहाँ पे दोनों पेपर का सेम वैल्यू रखा गया। तो दोस्तों, ये था पैटर्न, कैसा लगा आपको मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताएं। साथ ही साथ इस तरीके के वीडियो के लिए मेरे चैनल डीके गुरु ट्यूटोरियल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को दबाएं, ताकि आप तक वो लेटेस्ट अपडेट का नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच जाए।